इस वीडियो में हम चेक करेंगे बैटरी की कैपेसिटी जितनी लिखी होती है उतनी होती है या नहीं, और कौन सी बैटरी हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट रहेगी। कैपेसिटी चेक करने के लिए मेरे पास टोटल 6 बैटरीज है। इसमें से जो ऑरेंज वाली बैटरीज है वो मैं पिछले 5 सालों से यूज कर रहा हूं, तो मे बी इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा ZB2L3 कैपेसिटी टेस्टर मॉड्यूल। इसको मैंने ऑलरेडी कैलिब्रेट कर लिया है ताकि ये एक्यूरेटली करंट एंड वोल्टेज दिखाए। इसके रजिस्टर्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट करा है ताकि ये 250mAh का लोड दे और बैटरी डिस्चार्ज 250mAh पे हो। फर्स्ट बैटरी है 2000mAh की, जिसकी कॉस्ट है 59 और मैंने खरीदी है इसको मेकर बाजार से। इस बैटरी को मैंने फुल्ली चार्ज कर लिया है TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल से। इस बैटरी पे 2000mAh लिखा है, चलो इसको टेस्ट करते हैं कि ये एक्चुअल में 2000mAh की है या नहीं। इस बैटरी को मैंने डिस्चार्ज मॉड्यूल पे कनेक्ट कर लिया है और ये डिस्चार्ज मॉड्यूल 3 चीजें दिखाता है, वोल्टेज, करंट कंजप्शन और जिस करंट से डिस्चार्ज हो रही है वो। जब LCD इस तरह ब्लिंक करे इसका मतलब ये बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो गई है। तो कैपेसिटी आई है 515mAh जो कि इसकी मेंशन कैपेसिटी से बहुत ही कम है। जो इस पे मेंशन थी वो थी 2000mAh, तो ये बैटरी तो अपने टेस्ट में फेल हो चुकी है। अगली बैटरी है 450mAh की और इसकी कॉस्ट है 189 जो मैंने खरीदी है रोबू से। इसको फुल्ली चार्ज कर लिया है, अब इसको डिस्चार्ज पे लगा देंगे। तो इसको डिस्चार्ज में लगा दिया है, अब इसको थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। इसकी कैपेसिटी आई है 402mAh, इसकी मेंशन कैपेसिटी थी 450mAh, तो 50mAh का डिफरेंस इसका डाइजेस्टेबल है, तो ये बैटरी तो अपने टेस्ट में पास हो चुकी है। अगली बैटरी है 2000mAh जो कि आती है अराउंड 225 रुपीज की और ये मैंने खरीदी है रोबू से। तो इसको फुल्ली चार्ज कर लिया है, अब डिस्चार्ज पे लगा देते हैं। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो आई है अराउंड 1500mAh। तो इसको मैंने 5 साल भी यूज करा था, इसके बाद भी इसका 500mAh का ही डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी क्वालिटी तो गुड है, तो ये भी अपने टेस्ट में पास हो चुकी है। नेक्स्ट बैटरी भी मैंने रोबू से ही खरीदी है जिसकी कैपेसिटी है 950mAh और इसकी प्राइस है अराउंड 349 रुपीज। तो इसको मैंने फुल्ली चार्ज कर लिया है, अब डिस्चार्ज पे लगा देते हैं। तो ये डिस्चार्ज पे लग गई है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद चेक करने के बाद में पता चला कि इसकी कैपेसिटी है 978mAh जो कि इसकी मेंशन कैपेसिटी से भी बहुत ज्यादा है। इसकी मेंशन कैपेसिटी है 950mAh, तो ये तो अपने टेस्ट में पास हो चुकी है। नेक्स्ट बैटरी मैंने खरीदी है प्रोबोट से और इसकी कैपेसिटी है 1000mAh और इसकी प्राइस है अराउंड 399 रुपीज। तो इसको मैंने फुल्ली चार्ज कर लिया है, अब इसको डिस्चार्ज पे लगा देते हैं। तो ये बैटरी डिस्चार्ज में लग गई है, अब थोड़ी देर बाद में चेक करते हैं इसकी कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी आई है 783mAh जो कि 1000mAh से बहुत कम है, तो ये बैटरी तो अपने टेस्ट में फेल हो चुकी है क्योंकि ये डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट बैटरी है 600mAh बैटरी जिसकी प्राइस है अराउंड 135 एक्सक्लूडिंग GST। तो GST इसमें इंक्लूड नहीं है और मैंने खरीदी है क्वार्ट्ज कंपोनेंट से। तो इसको मैंने फुल्ली चार्ज कर लिया है, अब इसको डिस्चार्ज पे लगा देते हैं। तो डिस्चार्ज पे लगने के बाद इसको स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद जो कैपेसिटी आई है वो है 460mAh। तो 600 क्लेम करने के बाद में 460mAh तो बहुत कम है, तो ये भी अपने टेस्ट में फेल हो चुकी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑरेंज बैटरीज जो रोबू पे अवेलेबल है वो आप ले सकते हो अगर आपको लिथियम आयन लेनी है, और अगर आपको लिथियम पॉलीमर लेनी है तो ये माइक्रो लिपो बैटरीज ब्रांड की रोबू पे अवेलेबल बैटरीज ले सकते हो। इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट वही रहती है जो बताई हुई है और इनकी प्राइस और साइज दोनों ही कम है, तो इजीली आपके प्रोजेक्ट्स में ये फिट हो सकती है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है और मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।